यार आपका सेट बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं टाइम लगा ये कहने में। और यार सिर्फ सेट अच्छा है और बाकी चारों तरफ फैला हुआ है, सिर्फ सेट अच्छा है। नहीं आप तो अच्छे हैं यार, यार यही से शुरू करो ना, साला साल चलने वाला आजमूदा फॉर्मूला है आप, मैंने सोचा कि हिना अब काफी मतलब गपशप हमारी हो जाती है। बड़ा अच्छा आप लोगों ने इसमें काम किया था, मैंने देखा पूरा सीरियल। सीरियल उसी दौरान चल रहा था जब वो शो में आई थी, बिल्कुल ऐसा। तो मैंने पूछा अच्छा हिना तो व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, वो कोई सीन नहीं है मेरा, कोई सीन नहीं है। मैं शक्ल देखो, मैं कह रहा हूँ सच, नहीं नहीं हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं, वो साथ नम्रा के साथ। हाँ ठीक है। अच्छा तो उसके तकरीबन 10 दिन बाद एक मैं न्यूज पढ़ता हूँ कि आगा हिना मैरिड। मैंने कहा यार अब बहुत, एक तो मैं फोन करके सोचा, मैंने कहा यार मेरे शो पे इतना बड़ा धोखा मुझे दिया ये, क्या मेरे शो के बाद, बिकॉज आगा का कहना ये है कि बस आपके शो पे मैंने देखा कि एक इतनी अच्छी इतनी प्यारी इतनी मासूम लड़की बैठी हुई थी, यही है सुलझी हुई, यही है मेरी लाइफ पार्टनर। सो आई हैव बीन अ लकी पर्सन फॉर यू ना। या इफ नॉट दैट शो, वो कह रही मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इफ नॉट दैट शो देन दैट प्ले, एटलीस्ट वो प्ले की 6-8 महीने शूटिंग चली थी तभी फैसला। तो मैं बताती थोड़ी फिर होंगी कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। आई थिंक यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट आई एम अ प्राइवेट पर्सन वैसे, एंड आई थिंक ये जो चीजें वी वर जस्ट गुड फ्रेंड्स, नहीं होगा यू वर व्हाट उस वक्त, वी वर जस्ट गुड फ्रेंड्स। या ओनली गुड फ्रेंड्स, दैट्स इट। हां अच्छा चलो ठीक है, सही बात है, आई फॉल फॉर इट। एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे पता टेंशन क्यों हो रही है, शादी के बाद भी ये प्रेशर है कि हमें जवाब देने पड़े, वी वर गुड फ्रेंड्स और वी वर नॉट गुड फ्रेंड्स। कोई जवाब नहीं, इवन इफ यू वर गुड फ्रेंड्स बिग डील मैन, क्या हो गया यार। अच्छा गुड फ्रेंड्स तो आजकल मतलब ऐसे ही होता है, गुड फ्रेंड्स होते हैं और पहले आप नॉर्मल दोस्ती होती है, सबकी सेट्स पे मुलाकात होती है, कोई बहुत अच्छा लगता है किसी को आप प्रपोज करते हैं, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो हु प्रपोज्ड, ऑब्वियसली यू प्रपोज्ड हर फर्स्ट, यानी दोस्ती में और शादी के लिए कौन, किसने पहला कदम बढ़ाया आगे, आप बताएं, आप अच्छे स्टोरी टेलर हैं। हाँ, स्टोरी मेकर या स्टोरी टेलर? स्टोरी टेलर। नहीं नहीं, बहुत सिंपल स्टोरी है, वी डिड अ सीरियल टुगेदर और दिले गुमशुदा वाज अ सीरियल। शुरू में हमारी बिल्कुल बातचीत नहीं हुई, मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया कि हम एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे, ये वो है ना, बहुत हिना की आदत है ये बात नहीं करती, इससे जब तक आप बात नहीं करते बात नहीं करती ज्यादा। नहीं फिर मेरे से की इन्होंने बात, फिर हमने बहुत बातें की, बात की होगी यार, हाँ, फिर हमने बहुत बातें की, फिर हम दोस्त बन गए, बात से बात निकली और बात से बात निकली, दोनों का कह रहा हूँ मैं जो जिंदगी गुजरी है वो बहुत रिलेटेबल थी एक दूसरे से, और फिर दोस्ती हो गई। फिर जब दोस्ती हो गई तो हिना ने मुझे एक दिन बहुत क्लियरली ये जवाब दिया, जब मैंने ऐसी आइडिया ऑफ लाइफ पूछा तो हिना सेट के आई वांट टू गेट मैरिड एंड आई वांट टू गेट सेटल्ड इन ऑल, एंड मेरी जो माजी है उनको मेरे दिल का राज पता था, वो जानती थी कि यू नो दिस फ्रेंड ऑफ माइन इज आई लाइक हर, एंड तो मेरी माजी को जब मैंने ये ख्याल बताया तो उन्होंने मुझे इसका जवाब ये बताया कि बेटा अगर इतनी अच्छी है, अच्छी लगती है, और मेरी माँ से भी हिना की बातें हो चुकी थी 2-4 बार, सो देन शी सेड दैट मैंने और आगा की वालदा ने क्वारंटीन में सबसे ज्यादा लूडो स्टार खेला। सुबह के 4-4 बजे हम नमाज पढ़ते थे, मैं कॉल करती थी लाहौर, मैं कहती थी माँ जी क्या करी, करी मैं उठी हुई, आ जाओ लूडो स्टार पे। तो हमने बैक टू बैक लूडो स्टार खेला है, सो आई शेयर अ ग्रेट बॉन्ड विद माय मदर इन लॉ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। सो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई थॉट कि यार ये एक अच्छा फैसला हो सकता है जिंदगी का, इंशाल्लाह माशाल्लाह, और फिर होप द बेस्ट फॉर यू गाइस, और आप इसी तरह आप दोनों खुश रहो, हमेशा साथ रहो। उतना ही सिंपल प्रपोजल भी था, फिर मैंने फोन पे कहा इना को के you know you want to get settled in life, I want to get settled in life, so let's get settled in life. Yeah, aur main hum kafi sare interviews pe humne kaha bhi hai, ye pata hoga ki ab yahan se aane wala hai proposal, kya itna to pata hoga ki I think vibe is there right, lekin main ye keh rahi hu ki you call it a vibe, it's just a vibe. Why? I was just a vibe. What is this vibe thing? Vibe means good friend vibe. Balat, good friend. Only a vibe. Fine. नहीं नहीं मैं ये कह रही हूँ कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा है कि शादी से पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग सही है, अच्छी बात। मुझे पता था आगा कैसे, आगा को पता था मैं कैसी हूँ। हमारी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग। वो क्या है? वो क्या है? जैसे इन्होंने अभी कहा ना कि
understanding. So basically, love in this and that happened after marriage. Oh, that's brilliant. So that's why we cherish our relation, you know, mashallah, alhamdulillah, sahi se. So we're happy. You, you